हल्द्वानी से एक लव अफेयर की घटना सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार हल्द्वानी के बनभूलपुरा स्थित सावित्री कॉलोनी निवासी राजेश गुप्ता ने बताया कि वह 4 महीने से किराए पर रह रहे हैं, जहां इस दौरान उनकी पत्नी लता का वहीं रहने वाले वसीम नाम के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो वहीं रविवार को वसीम की पत्नी फिरदौस अपनी एक महिला दोस्त के साथ उसके घर पहुँची और लता को जबरन अपने साथ वसीम के घर ले गई। तो वहीं शाम को पता चला कि वसीम ने जहरीले पदार्थ का पान कर लिया है। वसीम को देखने जब राजेश एसटीएच पहुंचा तो उसी वार्ड में लता को भी भर्ती देखा। तब जाकर मामला सामने आया कि लता ने भी जहरीले पदार्थ का पान कर लिया है। तो वहीं इलाज के दौरान लता की मौत हो गई, जहां मंगलवार को सबका पोस्टमार्टम कराया गया। तो वहीं राजेश का आरोप है कि वसीम और फिरदौस ने लता से मारपीट करने के साथ ही उसे प्रताड़ित किया और जहरीला पदार्थ खाने के लिए उकसाया है। जानकारी के अनुसार राजेश के 3 बच्चे हैं। तो वहीं बनभूलपुरा SO नीरज भाकुने ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है, फिलहाल पुलिस जाँच में जुटी है। धन्यवाद। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।